हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीआईबी बीएफएम मॉड्यूल बी में क्रेडिट रिस्क में। यहाँ पे कुछ एडिशनल रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो जिसमें पहला है सप्लीमेंट अल्टमैन्स मॉडल। तो फ्रेंड्स, अल्टमैन मॉडल जो है वो यूएस मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म इज अ मॉडल दैट एक्सप्रेस द मेजर ऑफ द डिफॉल्ट। तो इसमें हम लोग कोई भी फॉर्म में एक ऐसा मॉडल जो है एक्सप्रेस करते हैं जिसमें कि उसके डिफॉल्ट होने के कितने चांसेस हैं उसको निकाला जा सकता है। द मॉडल इज बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें पांच अकाउंटिंग रेशियो को मिला के इसको निकाला जाता है फ्रेंड्स। द रिस्क क्लास ऑफ ए बोरोवर इज, तो कैसे निकालते हैं जेड, ये जेड जो है इसी को अल्टमैन जेड स्कोर मॉडल हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स। तो जेड इज इक्वल टू 1.2 × x1 + 1.4 × x2 प्लस x3.3 × x3 प्लस 0.6 × x4 प्लस 1.0 × x5। अब यहाँ पे जो x1, x2, x3, x4, x5 है वो कैसे निकलेगा? तो x1 जो है वो होता है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट रेशियो। x2 जो है वो है रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल एसेट रेशियो। x3 जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट रेशियो। x4 जो है दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट रेशियो। और x5 है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो अकॉर्डिंग टू अल्टमैन्स अबव मॉडल, ए फॉर्म विथ जेड स्कोर इज लेस देन 1.81 शुड बी क्लासिफाइड एज अ हाई रिस्क बोरोवर। मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ जेड द लोअर द बोरोवर्स डिफॉल्ट रिस्क। जेड स्कोर जो है अगर 1.81 से कम है तो इसका मतलब जो है वो हाई रिस्क बोरोवर है। जेड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बोरोवर के डिफॉल्ट होने के रिस्क उतने कम होंगे, और जेड की वैल्यू जितनी कम होगी बोरोवर के डिफॉल्ट होने के रिस्क उतने ज़्यादा होंगे। तो चलिए इसको हम लोग एक केस स्टडीज बना के देखते हैं फ्रेंड्स कि कैसे हम लोग अल्टमैन जेड स्कोर मॉडल निकालेंगे। यहाँ पे देखिए सेल्स दिया है 2820, ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 94.90, करेंट एसेट 988, टोटल एसेट 1430, करेंट लाइबिलिटी 928, टोटल लाइबिलिटी 1270, रिटेन्ड अर्निंग्स 45.6, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 73.6। तो हमें कैलकुलेट अल्टमैन जेड स्कोर एंड स्टेट इज इंसॉल्वेंसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने देखा कि अभी फाइव रेशियोज को पहले हमें निकालना होगा। तो मैंने यहाँ पे x1, x2 को ए बी सी डी करके लिया है। तो ए इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल जो होता है वो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है, और उसको हम लोग टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे। तो करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी देखें यहाँ पे क्या है। करंट एसेट है 988, करंट लाइबिलिटी है 928। तो 988 माइनस 928 और टोटल एसेट है 1430। तो वही यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट किया, 988 माइनस 928 डिवाइडेड बाई 1430 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 1430। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा पहला रेशियो जो आएगा वो आएगा 0.04। फिर बी हम निकालते हैं, बी का फॉर्मूला था रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो यहाँ देखिए रिटेन्ड अर्निंग्स 45.6, टोटल एसेट 1430। तो 45.6 डिवाइडेड बाय 1430 इक्वल टू 0.03। फिर रेशियो थ्री निकालेंगे, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ईबीआईटी हमारा यहाँ पे देखिए 94.90 है, टोटल एसेट है 1430। तो 94.90 डिवाइडेड बाय 1430 इक्वल टू 0.06। अब फोर्थ रेशियो हम लोग निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी देखिए क्या है, 73.6 और टोटल लाइबिलिटी है 1270। तो 73.6 डिवाइडेड बाय 1270 इक्वल टू 0.06। फिफ्थ रेशियो जो है दैट इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सेल्स है हमारा 2820, टोटल एसेट है 1430। तो 2820 डिवाइडेड बाय 1430 इक्वल टू 1.97। अब हम लोग जेड स्कोर निकालेंगे। जेड स्कोर निकालने के लिए हमारा पहला जो था 1.2 में हम लोग
पहला रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रेशियो इज 0.04, तो 1.2 इंटू 0.04 प्लस 1.4 इंटू सेकेंड रेशियो हमारा है 0.03, तो 0.03 प्लस 3.3 इंटू 0.06 थर्ड रेशियो प्लस 0.6 इंटू 0.06 0.6 इंटू 0.06 प्लस 1.0 इंटू 1.97। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1.2a प्लस 1.4b प्लस 3.3c प्लस 0.06d प्लस 1.0e। तो हम लोग ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 2.33। तो 2.33 जो है, यहाँ पे एक चीज़ फ्रेंड्स बुक में नहीं दिया था, मैं आपको बता दे रही हूँ कि Z की वैल्यू जो है वो अगर लेस देन 1.81 होती है तो वो डिस्ट्रेस जोन हम लोग उसको बोलते हैं, यानी कि बैंक जो है, बैंक या कंपनी जो भी है वो बैंकक्रप्ट हो सकती है विद इन वन ईयर। Z की वैल्यू अगर 1.81 से 2.99 के बीच आती है तो इसको हम लोग ग्रे जोन बोलते हैं। ये कुड गो आइदर वे, मतलब ये बैंकक्रप्ट भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। और Z की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2.99 होगी, इसका मतलब है कि वो कंपनी सेफ जोन में है, यानी कि दिस इज कंसिडर्ड फाइनेंशियली हेल्दी। तो यहाँ पे जो था वो 2.33 था, यानी कि वो इस रेंज में आएगी फ्रेंड्स 2.33, तो ये ग्रे जोन में है, तो इट कुड गो आइदर वे। तो जो अल्टमैन Z स्कोर मॉडल है फ्रेंड्स, ये यही है, इसका 5 रेशियो ये आपको याद करना होगा और इसका ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद करना होगा, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद करने होंगे। तो इसी के साथ हमारा अल्टमैन जेड स्कोर मॉडल यहीं ख़त्म होता है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और केस स्टडीज़ के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।